दीदी प्रेयर्स तो पूरी हुई, आज तीज का त्योहार है और इतना रूखा सूखा, कुछ रंग जमाना चाहिए, गाना बजाना होना चाहिए, है ना? क्यों नहीं, तो शुरुआत आपकी बहू से करते हैं। डांसेस? मैं नहीं, नहीं मुझे नहीं आता। मले तू कहाँ जा रहे है? बोल रहे इसे। फंक्शन में बातें नहीं, फिर भी आ गई। तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाती क्या? और हिम्मत है तो जैसे सबके सामने दोस्ती की थी वैसे ही सबके सामने रोक के बता, मलय के सामने रोक के। हमारी ये दोस्ती मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दूंगी वरदान। मुझे नहीं पता था कि तुम डांस भी जानती हो। नहीं जानती पर सीख लिया तुम। अब गाना बजाना तो हो गया भाई, अब खीर का प्रसाद खा लेते हैं। जो हमारी बहू वरदान ने बनाया है वो भी मॉर्निंग मॉर्निंग्स में उठ के। अप्पू सबसे पहले खीर तुम ही खाओगी। हाँ मले वरदान
अपू क्या हुआ है तुम्हें? अपू 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 क्या हुआ? अपी इस खीर खीर में कुछ वरदान तुमने बनाई थी ना खीर, क्या डाला था बोलो। मैंने तो सिर्फ दूध उबाले और बस चावल डाला। वरदान तुमने चावल ठीक से धोए थे जैसा मैंने कहा था? हाँ आंटी, मैंने चावल तो गंगा जल से धोए थे ताकि उसका अमृत प्रसाद में भी समा जाए। सबने तो खीर खाई है पर किसी को भी कुछ नहीं हुआ। अपू अपू अब क्या नया नाटक है इस लड़की का? अपू अपू मेरे अंदर गंगा जल नहीं दौड़ सकता, मेरे अंदर वैश्य, ये सब उस खीर खाने की वजह से हुआ है। पर अब भी तुझे कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तू वहाँ कुछ खाएगी पिएगी नहीं। मुझे इसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना होगा। माँ ने कहा था कुछ नहीं खाना है बाहर का, मैं कैसे भूल गई। अपू अपू तुम ठीक तो हो ना? अपू प्लीज दरवाजा खोलो। अपू अपू आई ओके? अपू अपू क्या हो रहा है तुम्हें? अपू 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 मैं अंदर आ रहा हूं। अपू तुम ठीक हो? अपू प्लीज मेरी तरफ देखो।
गया था तुम्हें? तुम ठीक हो? वो शायद खीर में ऐसा कुछ था जो रिएक्ट करके, पर मैंने खीर में तो ऐसा कुछ डाला ही नहीं। Are you sure? क्या पता किसी और ने कुछ मिला दिया? तुम पूरा टाइम किचन में थी जब खीर बन रही थी। नहीं, वो मैं I'm sorry, अपू। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ। मेरी तबीयत खराब हो गई और आप लोगों का सारा मजा किरकिरा हो गया ना। अपू, मैं जानती हूँ आज जो हुआ उससे तुम्हारा राज खुलने वाला था और तुम बाल बाल बची हो, पर शायद अगली बार तुम्हें यह मौका ना मिले। एक्सक्यूज मी, आरती के लिए आ जाइए। हेलो जी निकम जी, बोलिए। हेलो कावेरी जी, मैंने बहुत सोचा, फिर थोड़ा और सोचा, फिर सोचता रहा और क्या सोचा आपने? जी मैंने ये सोचा कि मैं ना अब अपनी सारी लक्ष्मी आपकी लॉटरी वाली स्कीम में ना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिससे एक बार में ही मेरी सारी लक्ष्मी दुगनी हो जाएगी। डबल आ। उससे पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अभी। आपकी स्कीम को अच्छी तरीके से समझ लेने के लिए, जिसे निकम को कोई घाटा ना हो, क्योंकि निकम रिस्क नहीं लेता। हाँ अभी, लेकिन निकम जी अभी तो क्यों नहीं आ सकती? मैडम जी, पूरे 50 लाख का कस्टमर खुद आपको मिलने के लिए बुला रहा है, ऊपर से आपका ही इसमें फायदा है 10% का। देखिए सोचिए मत, लक्ष्मी खड़ी है टीका करने के लिए और आप सोच विचार में अहम बात कर रही हैं। कावेरी जी अभी आ जाइए। हाँ मेरी किससे बात? अच्छा ठीक है निकम जी, हम 10 मिनट में आपके घर के बाहर मिलते हैं। ओके ठीक है। प्रबंध
ये मेडिसिन। तुम अब भी इतनी परवाह करते हो मेरी मले? वरदान हो तो वरदान 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 तुम ठीक हो? वरदान तुम स्माइल क्यों कर रही हो इतनी चोट लगने के बाद भी? खून वरदान 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 बेटा मैं इसको रूम में लेकर चलो। तीज के दिन कैसे एक पत्नी ने अपने पति की रक्षा की, वो भी किसी की परवाह किए बिना। इसी को कहते हैं पति पत्नी का प्यार। अवरी जी, मैं तो अपने घर के बाहर आ गया हूँ, आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे निकम जी, अभी 10 मिनट में से आपके 5 मिनट बाकी हैं। क्या 5 मिनट बाकी हैं? हैं?
देखो कावेरी जी, अगर आप 5 मिनट में नहीं आए ना तो डील कैंसिल, नए निकम का वादा है। डील कैंसिल? अरे निकम जी, डील कैंसिल क्यों? देखिए कावेरी जी, ये बात भरोसे की है, मैं अपने जीवन की पाई पाई लगा रहा हूँ आपकी स्कीम पे। हाँ अरे निकम जी, आपका भरोसा कहीं नहीं जा रहा है। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। इसकी शादी अगर तो मैं अभी निकालती हूँ।